हिलसा कोर्ट परिषद में तार बदलने के दौरान हुई हादसा। जी हां, स्थानीय व्यवहार न्यायालय परिषद में इसी तार बदलने के दौरान जनरेटर के विद्युत प्रवाहित तार के चपेट में आने से एक बिजली मिस्त्री गंभीर रूप से झुलस गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार कोर्ट परिषद में स्थित ट्रांसफार्मर में से जुड़े जर्जर बिजली के तार बदलने का कार्य बिजली विभाग के द्वारा चल रहा था। इसी दौरान कोर्ट कैंपस में चल रहे जनरेटर से विद्युत सलाइन के लिए ले जाया गया विद्युत प्रवाहित तार की चपेट में आने से एकंगरसराय थाना क्षेत्र के महाराजगंज गांव निवासी सह बिजली मिस्त्री शैलेंद्र कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसे के बाद कोर्ट परिषद में अस्पतरपी का माहौल बच गया और बिजली विभाग के कर्मचारियों के आनन फानन में अनुमंडलीय अस्पताल हिलसा में ले जाया गया और उन्हें भर्ती कराया गया। अभी उनकी हालत नाजुक बजाई जा रही है। जानिए एक कर्मी के द्वारा बयान, आप सुनिए। गीता गोप जी, आप बताइए सर कि अभी युवक को करंट लगा, वो कैसे लगा सर? वो ट्रांसफार्मर पर खड़ा थे कोर्ट परिषद, हिलसा कोर्ट परिषद में। हाँ, कोर्ट में के अंदर में दीवार से अंदर में ट्रांसफार्मर है, वो ट्रांसफार्मर पर खड़ा मैंने लाइन बना रहे थे, इतने में उनको लाइन मारा। हम लोग इधर से देख रहे थे, समझे, बहुतों आदमी देख रहे थे, लेकिन कोर्ट के हम लोग दौड़ के उधर से गए, गेट से जाना चाहे, जब तक इनको कोई आदमी बांस से मारे